राजीव कुमार साहब और माननीय कुलपति बसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर ओंकार नारायण सिंह जी से सभी से सागर निवेदन है कि आज के इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर आधुनिक 2023 किसान मेले का उद्घाटन करें। उम्मीद करते हैं कि दीपक की जलती हुई लौ और उज्जवल प्रकाश में आने वाले वक्त में किसानों की जिंदगी में बेहतरी हो, नई रोशनी हो, नया उजाला फैले और इस किसान मेले के माध्यम से उनके जीवन में नई जागृति समय निकाला और उसके बीच हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, मंचासीन होकर हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। किसान भाइयों के साथ आज इस मंच पर खड़े हैं माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय उद्गार और आपके अभिनंदन के शब्दों के साथ मंच पर। मेला में माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी और माननीय मंत्री श्री बादल जी की गरिमा में मौजूदगी से पूरा विश्वविद्यालय परिवार आह्लादित है और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। महोदय, आप दोनों लोग, एक कृषि से संबंधित मंत्री और दूसरे हमारे ग्रामीण विकास जहां हमारे किसान भाई रहते हैं, आप सबों के मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय निरंतर राज्य में कृषि और किसानों के विकास की दिशा में हमेशा प्रयत्नशील है और आगे भी रहेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अपने कृषि, पशुपालन एवं बालकी क्षेत्र की शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में कृषि सुधार, कृषि विकास एवं किसानों के उत्थान के लिए 42 वर्षों से अग्रणी योगदान दे रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य कृषि, पशुपालन एवं वानिकी विषय की उच्च शिक्षा प्रबंधन से राज्य को सक्षम, कुशल एवं कृषि योग्य तकनीकी मानव संसाधन मुहैया कराता है। सर, कल हमारे महामहिम और हमारे महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हमारे दीक्षांत समारोह में अपनी गरिमा में उपस्थित थे हम लोगों को आह्लादित किया है। हमारे विश्वविद्यालय के 1139 लड़के BSc, MSc, PhD तीनों की डिग्री लिए हैं। मेला में कृषक समुदाय को झारखंड प्रदेश के अनुकूल कृषि, पशुपालन, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, कुक्कट पालन, कृषि यंत्रीकरण और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरह के तमाम सारे कार्यक्रम सर हम लोग चला रहे हैं और इसमें मेले में 14 सब थीम पंडाल लगाए गए हैं, 74 कमर्शियल पंडाल लगाए गए हैं। मेला में किसानों की जागरूकता और प्रोत्साहन हेतु हमने उद्यान प्रदर्शनी लगाई है, कृषक गोष्ठी, महिला गोष्ठी, पशु पक्षी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके अलावा विभिन्न थीमेटिक पंडाल में किसान उपयोगी दर्जनों सेवाएँ। अंत में मैं उम्मीद करता हूँ कि यह राज्य स्तरीय किसान मेले में प्रदर्शित आधुनिक तकनीकों से पूरे राज्य के किसान जागरूक एवं लाभान्वित होंगे। मैं पुनः सभी माननीय अतिथियों का इस मेला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मेले में पधारे सभी आगंतुक और किसान भाई, मीडिया, सभी लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विश्वविद्यालय की जो तीनों गतिविधियाँ हैं, शिक्षा, प्रसार और अनुसंधान, ये हमारी मीडिया बंधु भी इसको किसानों के गांव गांव तक इसको पहुंचाएंगे। अंत में जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय किसान, जय कृषि विज्ञान और अंत में सभी लोगों को मैं पुनः जोहार। पदम BAU प्रशासन को इतना गंभीर रूप से, इतना बृहद रूप से, काफ़ी सराहनीय रूप से इस मेला का आयोजन करने के लिए अपने तरफ से बधाई देता हूँ। जैसा कि VC साहब ने बता दिया, काफ़ी हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर एंड रेड सेक्टर के सभी एरिया को टच करते हुए काफ़ी अट्रैक्टिव रूप में इस मेला का आयोजन किया गया है। हम लोग सब जानते हैं कृषि एक ऐसा चीज़ है जो किसी को भी जीवन में कभी भी देश या दुनिया जितना भी आगे बढ़े, कृषि के बिना कोई भी सिविलाइजेशन कल्पना नहीं कर सकता है। आप भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रति स्टडी करेंगे, एग्रीकल्चर हर सिविलाइजेशन का पार्ट एंड पार्सल रहा है। कई सिविलाइजेशन का पैदाइश भी एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आदमी जितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, लेकिन एग्रीकल्चर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एग्रीकल्चर का महत्व के बारे में किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश में भी एग्रीकल्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है, झारखंड राज्य के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा भारत लेवल पर, देश के लेवल पर देखेगा तो लगभग 20-21% आज भी हम लोग उद्योग या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी आगे बढ़ने के बावजूद 20-21% आज भी GDP में एग्रीकल्चर का संभावना है। और झारखंड में भी
हमारा एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर मिलाकर लगभग 93% जीडीपी में हमारा योगदान है। इसलिए हमारा इकोनॉमी में, हमारा लोगों का जीवनी में, लाइवलीहुड में, उनका फूड सिक्योरिटी में, हर सेक्टर में एग्रीकल्चर का काफ़ी महत्व है। और आप झारखंड को देखेगा तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जो भगवान के या ऊपर वाला के काफ़ी ब्लस्ड लैंड है। यहाँ पे हर तरह का पोटेंशियल है। आप एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र देखिए, फ्लोरिकल्चर देखिए, वेजिटेबल देखिए, जैसा भी जैसा डायरेक्टर ने बता दिया, मिलेट या मोटे अनाज की बात हो या हमारा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पैडी वीट, इस तरह का ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड अलेड एक्टिविटीज से काफ़ी संभावनाएं है। फिशरीज के सेक्टर में भी झारखंड काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आज हम लोग फिशरीज में सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। जो झारखंड बिहार से अलग हो रहा था, हमारा मछली उत्पादन केवल 14,000 मेट्रिक टन होता था, आज हम लोग लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन पहुँच गया। तो हर सेक्टर में झारखंड में काफ़ी संभावनाएँ हैं और हमारा लोगों को लाइवलीहुड, हमारा लोगों को इकोनॉमी बना के रखने में एग्रीकल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन हम लोग सब जानते हैं, दुनिया में हर दिन हर समय टेक्नोलॉजी बदलते जा रहे हैं, चीज़ें बदलते जा रहे हैं, नया नया इन्वेंशन आ रहा है, नया सीड्स आ रहा है, नया फर्टिलाइजर्स आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो जैसा दुनिया बदलेगा उसके साथ साथ हमारा किसान को भी अपना तौर तरीका, अपना खेती करने का तरीका, अपना कृषि को अप्रोच करने का जो नेचर बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पे रोल आ जाता है कृषि विभाग हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का या इस तरह का मेला का अहम रोल वहाँ हो जाता है। जबकि नया तरीका या नया टेक्नोलॉजी, नए मेथड्स के बारे में किसानों को जागरूक करें ताकि किसान कम मेहनत से ज़्यादा पैदाइश करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसका फायदा मिल सके। और किसान जब मौसम होता है तो औने पौने दाम में बेचते हैं, काफ़ी कठिनाई होती थी। हमने आग्रह किया और इन्होंने स्वीकृति दे दी और पूरे झारखंड में सबसे पहले कांके ही विधानसभा कांके में आपने कोल्ड स्टोर देने की स्वीकृति दी है। इसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछले 2 साल पहले हमारे विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी ओलावृष्टि हुई थी, हजारों हजारों किसानों की खेती बर्बाद हो गई थी। आपने संजीविका से अपने अधिकारियों को बुलाकर और आज उनका जो मुआवजा होता है, जो क्षतिपूर्ति होता है, उसकी आपने स्वीकृति दी। इसके लिए भी आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मांग का तो समय नहीं है, स्वागत का समय है, लेकिन क्या करें, 2 में से 1 छूट गया, इसीलिए बोलना पड़ रहा है। हमारा आग्रह होगा कि बहुत वर्षों से एशिया में नाम रखने वाली जो हमारे यहाँ की बैकन फैक्ट्री है, वो बरसों से बंद है। करोड़ों रुपया सरकार का राजस्व का हानि हो रहा है। हम लोग देखे हैं उसको बहुत नजदीक से। पूरे झारखंड में इसका सप्लाई होता था, बहुत बड़ा एक रोजगार भी था। हर जिला, हर नगर में, हर जगह उसका, जैसे सुधा दूध का स्टॉल होता उसी तरह से बैकन फैक्ट्री का भी स्टॉल होता था और किसानों को बहुत आमदनी होती थी। तो मेरा आग्रह होगा कि जो बंद पड़ी है हमारी जो बैकन फैक्ट्री, उसको खुलवाने का जो आपने आश्वासन दिया है, अधिकारी की टीम भी आपने भेजी है, तो आग्रह होगा कि इसको जितनी जल्दी हो बैकन फैक्ट्री को खोला जाए ताकि हमारा सरकार का राजस्व भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े। और हमें विश्वास है जिस तरह से आपका काम करने का जो तरीका है, जो आपके अंदर भावना है, निश्चित तौर पर हमको विश्वास है कि ये काम होगा। इतना ही कहते हुए सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, हमारे सभी किसान भाइयों को, और विशेषकर मैं स्वागत करता हूँ जो हमारे ठाकुर गांव से एपीओ की जो पूरी टीम आई हुई है, पशुपतिनाथ सहदेव जी के नेतृत्व में, जय किशोर जी के नेतृत्व में जो किसान है हमारे, राजेश कुशवाहा जी जो हमारे उस क्षेत्र के किसान हैं, उनके नेतृत्व में भी आज स्टॉल भी लगाया गया है। और हमारे विधानसभा के पुरमू से लेकर गुट्टू ठाकुरगांव पिटोरिया से के मिश्रा तक के जितने भी किसान आए हैं, सबको प्रणाम करते हुए, आप सभी को प्रणाम नमस्कार करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय झारखंड। और ऐसे में हमारे कुछ प्रकाशन है जिन्हें आज यहाँ विमोचित करने का आग्रह मैं मंचा से अपने अतिथियों से करती हूँ। ये लिखी गई है।
जो दूसरा मैनुअल है, अ मैनुअल फॉर प्रोडक्शन पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रीन फॉडर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, रांची वेटनरी कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रांची वेटनरी कॉलेज के द्वारा है। तजवर जी आप, सुषमा, सुशील प्रसाद सर, एम एस मलिक साहब, रविंद्र कुमार जी, डॉक्टर तजवर इजहार, डॉक्टर सुषमा, डॉक्टर सुशील प्रसाद, डॉक्टर एम एस मलिक एंड डॉक्टर रविंद्र कुमार, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाएं। आज के इस अवसर पर आपकी यह जो किताब है, लिखित पुस्तिका है, यह विमोचित की जा रही है। माननीय मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि आज के इस अवसर पर यहाँ इसका विमोचन करें। ये है अ मैनुअल फॉर प्रोडक्शन पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रीन फॉडर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रांची वेटनरी कॉलेज के द्वारा डॉक्टर सुशील प्रसाद, डॉक्टर एम एस मालिक, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर तजवर, डॉक्टर सुषमा, बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन अतिथियों। किसान भाइयों, बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों, सहयोगियों, यह वर्ष पूरे देश ही नहीं, पूरे सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज का वर्ष 2023 घोषित किया गया है और लगभग सभी देशों में, सभी राज्यों में इसको लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हमारे विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीक साहब ने भी जो प्रेजेंटेशन इसके लिए प्री बजट में रखा, तो हमें लगा कि कितना महत्वपूर्ण ये सब बातें हैं। किसान भाइयों के लिए ये कहना चाहूंगा कि ये पुरानी बातें हैं जो नई स्वरूप में आ रही। कभी कभी हम जब खूब तरक्की करते हैं, आसमान की ऊंचाइयों तक जाते हैं, तो जमीन की ओर और भी देखने को मुखातिब मन करता है। पुराने समय में जो बात कहते थे कि मड़ुआ खाकर दिन गुजारते थे, कुल्थी खाकर दिन गुजारते थे, मोटे अनाज के अलावे हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हीं सब जगहों पे आज मेरा मन कहता है कि बहुत तरक्की कर लिया। हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी रिच थी, इतना मजबूत था कि जो बातें आज कही जा रही है वो बातें पहले कभी हमारे भारतवर्ष में हुआ करती थी। और मन कहता है कि ये मिलेट वर्ष जो यूनिवर्सली घोषित किया गया है, हम लोग तो यही कहेंगे कि तरक्की के इस दौर में, आधुनिकता और विज्ञान के इस दौर में आ अब लौट चले वाली कहावत चरितार्थ हो रहा है कि हमें अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए। वो जो कह गए गालिब साहब, जब तक जिंदा थे उनकी शायरी ने ख्याति नहीं पाई, मुंशी प्रेमचंद दर दर भटकते रहे, लेकिन उनके जाने के बाद विकास जी यहां मौजूद हैं, उनके कविता इन सब चीजों को आत्मसात करते हैं, उनके जाने के बाद उनकी रचनाओं में, हमारे ऋचाओं में, हमारे नसों में, हमारे रगों में खून का संचालन करना शुरू किया कि क्या कह गए हो, क्या लिख गए हो। आज किसान भाई के लिए भी और यहाँ के छात्रों के लिए भी, इस मेले में जो लोग मौजूद है वो आपके भाग्य विधाता है। नाबार्ड का यहाँ मौजूद होना, ICAR के डायरेक्टर साहब के मौजूद होना, मान सिंह साहब का मौजूद होना, मेरे विभाग के सभी पदाधिकारियों का यहाँ पर मौजूदगी, अबू बकर सिद्दीक साहब का लीडरशिप अपने विभाग में, और हम सब अपने गार्जियन के सम्मुख जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका कोई नोडल एजेंसी है वो ग्रामीण विकास है, उसके माननीय मंत्री जी आलमगीर आलम साहब का यहाँ होना एक सौभाग्य है कि आने वाले दिनों में झारखंड को जहाँ हम लेना ले जाना चाहते हैं वहां ले जाने में हमें सहयोग मिलेगा। शुरू से
हम जिस विचारधारा से आते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आते हैं, उन लोगों का इस देश के प्रति, इस राज्य के प्रति, आप सभी के प्रति योगदान रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप बैंक में जाइए तो आपको नजर आएगा कि इस देश के लिए, राज्य के लिए, अंतिम पंक्ति पर खड़े किसान के लिए और यहां पढ़ रहे बच्चों के लिए इनके प्लेटफॉर्म का क्या योगदान रहा। आज ICAR से यहां मौजूद है अंजनी कुमार साहब। हम एक चीज बताना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में एक्ट के तहत ICAR का फाउंडेशन रखा गया था मिसेज इंदिरा गांधी जी ने, और संजोग की बात है उन्हीं उसी इंदिरा जी ने इस बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी 26 जून 1981 को। हम नहीं भुला सकते कार्तिक गुलाब साहब के योगदान। लेकिन इंदिरा जी दूरदृष्टा, दूरदृष्टि था उनके पास। आज जहां चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उन्होंने किसानों को, सिर्फ किसानों को मजबूत करने के लिए एक ही झटके में कई प्राइवेट बैंकों के डिपॉजिट्स को जब्त करके नेशनलाइज काम करने का काम किया था, जिसका प्रतिफल है कि आज भारत के किसान समृद्ध हैं, आज उनके लिए बैंकें खड़ी होती है और उनके विकास में सहयोग करती है। हालांकि अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था चाईबासा में, तो वहां जो हमारे संसाधनों का उपयोग कर जो कंपनियां यहां पर आई है, अब तक 24,000 करोड़ का डिपॉजिट वहां के बैंकों में उनका है, लेकिन वो पैसा प्रायोरिटी सेक्टर कृषि क्षेत्र में नहीं लगकर देश के अन्य उद्योगों में इस्तेमाल हो रहा है। ये चिंता की विषय है। सीडी रेशियो नेशनल एवरेज का आधे से भी कम है। इसके लिए एक सशक्त प्रशासक इंदिरा जी की तरह फिर से चाहिए, जो कि किसानों के डूबते हुए मनोबल को उठा सके और फिर से अग्रिम श्रेणी में भारत को, इस राज्य को खड़ा कर सके। हमारे बच्चे पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के, पहले वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसमें एडमिशन ना लो हो तो एग्रीकल्चर की ओर आते हैं। ये अवधारणा को बदलना पड़ेगा शुरू से ही कि मुझे बिरसा में जाना है। बिरसा हमारा वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री है, इस कंट्री का है। और यह जैसे अभी विसी साहब कह रहे थे कि हमारे शिक्षकों ने ऐसे अर्जुन को पैदा किया जिसने संसाधनों की कमी रहने के बावजूद इस भारत वर्ष के पीजी एग्जाम में टॉप किया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। वैसे छात्र को विसी साहब बुला के आपको सम्मानित करना चाहिए, जिसके बदले आज हम ये बोल रहे हैं कि पूरे भारत में हमने फर्स्ट रैंकिंग के लिए पीजी में कोई लड़का आया तो हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आरडीआर कॉलेज का लड़का है। जो कमियां है, जब से मुझे जिम्मेदारी आलमगीर आलम साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तब से हमने और अबू साहब ने बिरसा प्रबंधन के साथ मिलकर, चाहे आपके पे स्केल का मामला हो, चाहे इनके छात्रों के भविष्य का मामला हो, चाहे कैजुअल लेबर के मजदूरी भुगतान का मामला हो, हमने हमेशा इसको संवेदनशीलता से लिया। कृषि को आगे ले जाना है, इसके लिए अंजनी बाबू यहां मौजूद है। जिले के स्तर पे हमें टारगेट फिक्स करना होगा,
कि हर वर्ष हमें 1,00,000 किसानों को खड़ा करना है। सरकार आपको सहयोग करेगी। एनडीके की जितनी संख्या है, हम समझते हैं कि संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जितना बड़ा क्षेत्र है, जितना बड़ा स्कोप है, उसमें हम आपसे आग्रह करेंगे। वीसी साहब है, आप हैं, अबू साहब है, और यहाँ पर मौजूद हम सबके अभिभावक आलमगीर साहब हैं कि केवीके की संख्या बढ़नी चाहिए, तभी किसानों को वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से खेती करने में और उसमें लाभांश महसूस करने में प्रेरणा मिलेगी। लोग ज्यादा जब तक नहीं प्रभावित होंगे, जब तक प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक इस क्षेत्र में आने के लिए प्रायोरिटी नहीं रखेंगे। हमारे छात्रों को सर विभिन्न जिस देश की नामी कंपनियां हैं, नेस्ले, यूनिलीवर, इन सबों ने इंगेज किया है। 12,00,000 तक का पैकेज हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिला है। 32 साल के बाद हमने पदाधिकारियों की नियुक्ति की, 129 पदाधिकारियों की, और अभी जो स्मार्ट विलेजेस की हम कल्पना कर रहे हैं उनमें भी बच्चों का स्कोप है। हम बाद में बताएंगे, लेकिन आइए हम लोग सब मिलकर झारखंड राज्य को इस देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शुमार करने का संकल्प ले। बिरसा का रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग ICAR द्वारा जो दिया जाता है, क्यों ना हम करनाल को कंप्लीट करें, क्यों ना हम GV पंत को कंप्लीट करें। हमारे छात्रों में क्या कमी है, हमारे फैकल्टीज के जो ज्ञान है उसमें हमें कहीं कोई शंका नहीं है। हमसे जो भी मदद चाहिए आप लीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बिरसा देश के अग्रणी यूनिवर्सिटी में शुमार हो, उसकी रैंकिंग में सुधार हो। इस सब वर्ष हमने विधानसभा में भी कहा था, बजट भी लिया है कि वेटनरी यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हम सबका सपना था। एक ही नहीं, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आओ, इसके लिए भी हमने प्रयास किया, करना शुरू कर दिया, सपना देखना शुरू कर दिया। जब वेटनरी यूनिवर्सिटी की बात आ रही थी तो जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है उस रिपोर्ट को हमने पूरा पढ़ा। या मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं हैं। उस रिपोर्ट में यह भी सजेस्ट किया गया अभी साहब कि यहाँ पर फिशरीज का भी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अभी हम गुमला की बात कर रहे हैं, 22 चुगो एक न एक दिन जरूर आएगा, भले वो बादल ना कर सके, लेकिन करेगा। फिशरीज यूनिवर्सिटी भी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा। जो सपने अच्छे कॉज के लिए देखे जाते हैं वो कभी बेकार नहीं होते। आज हम कलाम साहब को याद करेंगे, उनके पावन कदम हमारे यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पड़ा था, और मुझे भी उसका गवाह बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनकी याद में एक फुल फ्लेज्ड हाईटेक ऑडिटोरियम का हमने सपना देखा है कि वो यहाँ आए थे, तो वो चीज यादगार होना चाहिए। कार्तिक उराव साहब का योगदान है, तो उनके नाम का भी यहाँ पर यादगार चीजें होनी चाहिए। हमारा संकलन किया, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, जरूर पढ़ूंगा और लोगों को इससे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित भी करूंगा। धन्यवाद। के क्षेत्र में विकास कुमार साहेबगंज से, विकास कुमार, विजय महतो, विजय महतो तो पीछे हो जाइएगा, ये पूर्वी सिंहभूम से हैं। राधे श्याम प्रसाद ये पलामू से हैं। माननीय मंत्री जी ने बेशकीमती समय अपना दिया है और आज जल्दबाजी के बावजूद वो किसानों को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि कृषक बंधुओं के लिए यह मेला है और उन्होंने ये समय उनके लिए निकाला है। राधे श्याम प्रसाद, श्री भीम रजक, श्री भीम रजक और श्री गोकुल प्रसाद यादव।
ये वो किसान हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है और बाकी किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन कृषकों का चयन किया गया क्योंकि ये उन किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसान मेहनत मशक्कत के बाद एक नई क्रांति ले आते हैं, और ऐसे ही किसानों की वजह से हमारे क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लोगों के अंदर बेहतर करने की भावना आती है। आज इस मंच से माननीयों के हाथों सम्मानित होकर इन किसानों के अंदर उत्साह वर्धन होगा, बाकी के किसान प्रेरित होंगे। इसी सोच के साथ आज इन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। ये किसान भाई बंधु जो यहाँ मंच पर थे, श्रीमती सुचिता देवी दुमका से, अयोध्या बिंद गढ़वा से, अंशु सिंह सरायकेला खरसावा से, श्री विकास कुमार साहिबगंज से, श्री विजय महतो पूर्वी सिंहभूम से, राधेश्याम प्रसाद पलामू से, चतरा से श्री भीम रजक, और देवघर से गोकुल प्रसाद यादव। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री कृषि एवं पशुपालन सहकारिता विभाग, सचिव कृषि एवं पशुपालन सहकारिता विभाग, कांके के विधायक, इन सभी माननीय हमारे अतिथियों ने आज इन्हें इस मंच पर सम्मानित किया। और अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ जिनकी आप प्रतीक्षा करते थे, जोरदार तालियों के साथ मंच पर आज जिन्होंने अपना बेशकीमती समय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए निकाला, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार श्री आलमगीर आलम साहब को निवेदन करती हूँ अपने आशीर्वचन वचन के लिए। आज के कार्यक्रम में आप सबको हार्दिक अभिनंदन, आदाब, नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में आकर एक किसान परिवार के से आने आते हैं हम, मुझे खुशी होती है। आज के दिन में हम जो देखते हैं कि बरसों पहले जब सुविधा या टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाया था, लेकिन गांव में हम देखते थे किस तरह किसी खाल से लोग जुड़े हुए रहते, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, नौजवान भी रहते थे। समय परिवर्तन होते गया और जो हम लोग पहले बोलते थे, ये देश जो है गांव का देश है, जब गांव का देश है तो गांव में किसान ही रहते हैं, 70-90% लोग, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो किसी काज में जुड़े रहते हैं। तो पहले की जो किसान, जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतने आगे नहीं बढ़े थे, फिर भी वो अपना रोजगारी के तलाश के लिए वो किसान खेतों में जाकर अपने परिवार और अन्न उपजाकर देश को देने के काम करते थे। लेकिन निरंतर अगर हम देखते हैं कि सरकार की ओर से एक नहीं अनेक प्रयास किया जा रहा है और साइंस और टेक्नोलॉजी कहां से कहां निकल गया है, फिर भी लोग का ग्रामीण क्षेत्र में रहकर किसी काम से जुड़े रहे, ऐसी जो है उनका मानसिक पैदा हम नहीं करता। तो गांव में रहने के लिए, किसी काम से जुड़ने के लिए एक ड्राइव चलाना चाहिए। लोगों के गलत काम शहर की ओर आते हैं कि हमें रोजगार मिले, चाहे वो सरकारी नौकरी मिले चाहे वो प्राइवेट नौकरी मिले, लेकिन हम क्यों नहीं, हम गांव में रहकर उन नौजवानों को, उन किसान परिवारों को हम गांव में रखकर उनको ये बात समझाने की कोशिश करें, जो तुम इसी से ये काम करके ही कुछ काम हो सकती हो, खुशी और स्वावलंबी, तुम्हारा घर पहुंचेगा, तुम्हारा चेहरा पर मुस्कान होगा। इस बात को इंसिस्ट करना आज के दिन में बहुत जरूरी है, जो नहीं हो पा रहा। जब भी लड़का वहां पढ़ लिख लेते हैं, मैट्रिकुलेट कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, कॉलेज पहुंच गया, तब उनके सपना खेतों में नहीं, गांव में नहीं, उनका सपना हम रोजगार करेंगे, सड़क की ओर जाएंगे, इस मोटो को हमें तोड़ना पड़ेगा। जो सोच रहे हैं उसको तोड़कर गांव में कैसे रखा जाए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं।
मित्र हम कहना चाहते हैं कि आज हमारे यहाँ जो आकलन हम लोग करते हैं किसी स्टेट में 70-75% लोग किसी काम से जुड़े हुए रहते हैं, कहीं उससे अधिक कहीं उससे कम, 70% से कम किसी भी राज्य में किसी काम से सभी लोग किसी काम से जुड़े रहते हैं। अगर इन लोगों का, किसानों का अगर हम आर्थिक उन्नयन कर देते हैं, किसानों का अगर रोजगार में जोड़ देते हैं, किसानों का अगर खेती में जोड़ देते हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान एक खुशहाली का देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाएगा। खेत हमारा यहाँ पड़ा है, साइंटिस्ट हमारे रेगुलर काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पथरीली जमीन है, गड्ढा जमीन है, बीच जमीन है कि समतल जमीन है, किस समय कौन सीट लगाना होगा, कौन धान लगाने से, कौन बीज लगाने से ये सर्वाइव कर सकता है, ये सारे चीज हम लोग दे भी रहे हैं, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस दिशा में हमें काम करना है। हमारी सरकार 2019 में हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार की यह सोच गुजार रहा, हमारे बीच में बादल जी बैठे हैं कि हम लोगों ने कहे थे कि किसानों का जो ऋण है उसे हम माफ करेंगे उसका, और बादल जी ने लगातार प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री से सहयोग लेकर किसानों को ऋण को माफ करने के साथ हम लोगों ने किया। किसानों को जो बीज सरकार की ओर से अगर उपलब्ध कराया जाता था, जब हमको गेहूं बुनना है तब हमें सीट नहीं मिलता था, जब गेहूं खेत में तैयार हो जाता तब हमें जो है बीज मिलता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने इस बात को विचार किया कि नहीं, जब फसल का बुनाई के पहले एक महीना पहले ब्लॉक में जो है सीट पहुंचाना होगा, ये सुनिश्चित किया जाए। हमारे माननीय मंत्री बादल जी ने उस काम को बड़ी हुई खुद से किया है और मुझे खुशी है कि समय के पहले बीज जो है ब्लॉक में पहुंच जाता है और हम लोग उसको खेत में लाकर हम लोग आबाद करने की काम करते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ किसी जो बैठे हैं, यू नो, इनसे भी मुझे बीच बीच में बात होती है और इस बात के दौरान उन्होंने भी यहाँ के किसानों को मजबूत और शक्ति प्रदान करने के लिए नए नए जो है सीट लाकर यहाँ की मिट्टी के अनुरूप उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस दिशा में काम कर रहे हैं, सहयोग हम करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहेंगे, हमें ये चाहिए कि हम अपना मानसिक का परिवर्तन करें, हम सोचें कि शहर की ओर नहीं गांव की ओर कर जाकर हम अपने परिवार को सुखी और सबली भी बना सकते हैं। इस दिशा में अगर हम मन से आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर किसी काम से जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो फिशरी हो, चाहे पशुपालन में हो, चाहे डायरी में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, सारे पथ खुला हुआ है। अगर हम कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है हमारी समाज, हमारी झारखंड प्रदेश के लोग, यहाँ के किसान आगे की ओर बढ़ेगी और निश्चित तौर पर इसका फल हमें मिलता रहेगा। मैं अंत में धन्यवाद देना चाहते हैं विशेष करके यहाँ के विजी साहब को, जिन्होंने हमें आमंत्रण करने पहुंचे थे, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और अरेंजमेंट के लिए उनके सहयोग को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इन जन शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए, आने वाले समय में किसी विभाग के द्वारा इस देश, इस प्रदेश का अग्रणी भूमिका निभाकर हम आगे ले जाने की काम करेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय झारखंड।